पंजाब के जालंधर में आवारा भैंसों का आतंक सड़कों पर देखने को मिला। आपको बता दें कि जब टीवी वन इंडिया न्यूज की टीम ने शहर का जायजा लिया तो पठानकोट चौक, ट्रांसपोर्ट नगर, मकसूदा मंडी के बाहर, सोडल रोड व कई जगह पर आवारा पशु भी सड़क पर घूमते नजर आए। वहीं जब इन आवारा पशुओं की देखरेख के लिए नगर पालिका ने गाय टैक्स भी लागू किया, जो कि जनता के बिजली के बिल, पानी के बिल पर लगकर आता है। साथ ही इन आवारा पशुओं के कारण कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे भी हो चुके हैं। मैं आपको बता दें कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो जनता से गाय टैक्स के रूप में पैसा वसूला जाता है, नगर पालिका प्रशासन उसको कहां पर खर्च करता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट, जालंधर। हम बात कर रहे हैं जालंधर पंजाब की, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो धूप से बचने के लिए छाता और बैठने के लिए टेबल साथ लेकर आए। वहीं जालंधर में आज हमारी टीम ने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक का दौरा किया, जहां हमारी टीम ने देखा कि यहां पर लाइसेंस बनाने वाले जो लोग आते हैं उन लोगों के बैठने का कोई प्रबंध नहीं है। साथ ही लोग धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। वहीं लोगों को जहां पर भी जगह मिलती है वहीं पर बैठने को मजबूर हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पीने के लिए पानी का भी इंतजाम नहीं है। जब से ड्राइविंग ट्रक को ऑनलाइन किया गया है तब से ही लोग काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादातर इनका सिस्टम खराब रहता है, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट, जालंधर पंजाब।